हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सर्कल पर। आज दोस्तों हम एक ऐसे नोटिस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे 49568 के मेडिकल के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो चलिए उस ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट नोटिस पर चलते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए नोटिस पर चलते हैं साथियों। यह सामने जो आप नोटिस देख रहे हैं, यह हमारा एक जो 49568 की जो मेडिकल होने हैं, कहीं ना कहीं वो मेडिकल बताएगा कि कब होने जा रहे हैं। तो चलिए, इसमें ये जो नोटिस दिया गया है, ये जो 18,000 पीएससी के इस टाइम जो 41,520 भर्ती वाले हैं, 18,000 जो पीएससी के हैं उनकी पासिंग आउट परेड को लेके है। पासिंग आउट परेड अभी तक 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन इस नोटिस में दिया गया है कि 15 जुलाई को नहीं है। डायरेक्टली हम आपको दिखाते हैं कि पासिंग आउट, देखिए, कोर्स समापन एवं पासिंग आउट परेड 30 जुलाई को संपन्न होनी है। ठीक है, यानी कि 15 से हट के ये 30 जुलाई को पहुंच गई है। तो चलिए इस नोटिस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये जो तिथियाँ हैं, ये वाग कक्षाएँ, अंत कक्षाएँ और साक्षात्कार, और ये सारे हमारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो ज्वाइनिंग के पहले कराई जाती हैं। एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम की परीक्षा होती है। यह देखिए 7 नंबर पे दिया गया है, परीक्षा फल की घोषणा 29 तारीख को। एग्ज़ाम का जो पास हैं कौन फेल हैं, मैक्सिमम पास ही हो जाते हैं। ठीक है, तो वो घोषणा होगी, उसके बाद हमारे जो पासिंग आउट परेड होगी। अब यहाँ देख लीजिए, 30 तारीख को पासिंग आउट परेड होनी है। पिछली भर्ती में जो हमारे सिविल कैंडिडेट थे 41,520 के, तो जब उनका पीएससी वाले जो थे, उनका जब मेडिकल होना था, तो इनकी पासिंग आउट मुझे याद है 16 दिसंबर को थी, और जो हमारे पीएससी वाले हैं, एक महीने पहले उनको मेडिकल करा लिए गए थे। उनकी पासिंग आउट परेड के समय उनकी JTC चल रही थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि इस जून 15 से 20 तारीख के बीच में नोटिस आ जाएगा कि आपके मेडिकल होने हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा देर करेंगे, क्योंकि अब सरकार ने भी लॉकडाउन खोल दिया है। ज्वाइनिंग जो भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके लिए छूट भी दे दी गई है कि आप अच्छे से कोई भी ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं। तो इसमें जब हम बात करेंगे कि लगभग जून में आपके मेडिकल संपन्न होंगे, और JTC जुलाई से अगर शुरू कर देंगे, वो 10 जुलाई के बाद JTC अगर शुरू करते हैं, तो 20 दिन के अंदर JTC वो ख़त्म कर देंगे और आपकी जो ट्रेनिंग है वो विधिवत जुलाई में तो हो नहीं पाएगी, अगस्त, हाफ अगस्त से शुरू हो सकती है। ठीक है, तो यह हमारा वीडियो इसी पर आधारित था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।